और चलिए महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं यूपी के सियासी मिजाज की। यूपी में उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि करहल सीट पर प्रचार करने गए थे। योगी ने मुलायम सिंह को याद करके अखिलेश यादव की खिंचाई कर दी, जिस पर अखिलेश यादव ने तुरंत पलटवार कर दिया। समाजवादी पार्टी के जन्म से अब तक जिस करहल सीट पर साइकिल जीतती रही है, वहां सीएम योगी कमल खिलाने के बिसात बिछा रहे हैं। मैनपुरी की धरती पर सीएम योगी ने पहले तो दिवंगत मुलायम सिंह यादव को याद कर भावनात्मक रिश्ता जोड़ा, फिर उन्हीं का नाम लेकर उनके बेटे पर हमला कर दिया। नेता भी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने का काम हो गया है। परिवारवाद के मुद्दे पर हावी रहने वाली बीजेपी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव को सम्मान देकर वो करहल का ठेठ समाजवादी वोट अपनी ओर मोड़ना चाहती है। हालांकि करहल में परिवार के टक्कर में बीजेपी ने भी परिवार कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जो अखिलेश के भतीजे हैं। बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा जो अखिलेश यादव के बहनोई हैं। यादव लैंड में बीजेपी ने एसपी के यादव उम्मीदवार के सामने यादव उम्मीदवार खड़ा किया, तो आज सीएम योगी ने करहल में यदुवंशी भगवान कृष्ण का जिक्र कर अखिलेश यादव पर सवालों की बौछार कर दी और अपना मथुरा से कनेक्शन भी बता दिया। हम तो कहते हैं कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी से सहमत है वो बताएं तो, उनको वोट चाहिए लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं। बात हिंदुत्व की पिच पर आई तो अखिलेश ने लखनऊ से ही मोर्चा खोल दिया। कहा, वस्त्र नहीं वचन से होती है योगी की पहचान। कि मन की कुटलता ही वचन की कटुता बनती है। सन समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। अखिलेश जुबानी जंग में हैं, तो पारिवारिक जमीन बचाने के लिए डिंपल यादव करहल के ग्राउंड पर प्रचार कर रही हैं। योगी के करहल पहुंचने से पहले ही डिंपल यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा। तो हम चाहेंगे कि वो सुचारू रूप से 500 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो समाजवादी पार्टी ने बनाया था, जिसका उद्घाटन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसको आगे चलाने का काम करें। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव है। सीएम योगी ने आज करहल के साथ कानपुर की सीसामऊ और अलीगढ़ की खैर सीट पर भी प्रचार किया। जंग दोनों तरफ जोरदार है।